बना रही है पूड़ी, बन चुके हैं आलू और टाइम हो चुका है रात के 10:30-11 बन चुके, 10:30 बज गया। तो फिर कैसे लग रहा है? बना रही हूँ वो भी बताओ। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, मैंने पूजा कर लिया है और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। मैं जा रही हूँ आज ऑफिस और सुप्रभात जाएंगे मम्मी को छोड़ने मासी के घर, क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं तो मम्मा के लिए बोर होंगी, वो भी रेडी हो रही हैं। मैं निकलती हूँ, मुझे हो रहा लेट। मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस, टाइम हो चुका है 9:30। मम्मी को छोड़ दिया है उनकी बड़ी बहन के घर, मतलब शान्या की मासी के घर, एंड मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय। मैं आ गई हूँ ऑफिस से वापस। मैंने आते ही मम्मी को फोन किया कि आप आ जाओ, अब मैं आ गई हूँ। बट उन्होंने तो अभी तक मासी के घर लंच भी नहीं किया, अब 4:30 बजे वो लंच कर रही हैं, पता नहीं अब वो कब आएंगी। चलो तब तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, फिर आ जाएंगी वो या सुप्रभात लेते हुए आएंगे, उन्हें देखेंगे जैसे भी करेंगे। मम्मी गई हुई थी आज सुबह से मासी के घर, क्योंकि आज हम दोनों जा रहे थे ऑफिस, तो मैंने बोला कि अब आप भी चले जाओ मासी के घर। ये देखिए आते ही शुरू हो गए अपना टीवी देखने। अंजी आप यहाँ पे क्या करने आए हो, टीवी देखने आए हो? अब तुम काम में बिजी थी तो फिर मैं क्या करती? हाँ मैं काम में बिजी हूँ तो ये टीवी देख रही हैं, अपने सीरियल लगा के बैठी हैं आराम से आके। भगवान जी का सीरियल देखती हूँ, शिव शक्ति तब त्याग तांडव। ओफो गाइस, इनसे ये पूछिए जरा इनके पति आ रहे हैं या इनको सच में धोखा दे के चले गए? धोखा दे गए, इसके पापा धोखेबाज है। पापा धोखेबाज है, पापा वहाँ सुकून से जी रहे होंगे, पापा को कोई चिंता ही नहीं, पापा सोच रहे 2-4 दिन और निकले बीवी के बिना। अच्छा है। और आप यहाँ परेशान हो रहे हो कि आएंगे कल आएंगे आ जाएंगे। फिर मम्मी पापा नहीं आए तो आपका क्या प्लान है? यही रहना है, बेटी के घर रहना है पापा के बिना, या जाना है वापस? पापा को परवाह नहीं तो मैं क्यों परवाह करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छी जी रही ज्यादा अच्छी जी रही क्यों भाई यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? खाना बना के खाना पड़ता है, यहाँ बना बनाया मिल जाता है, वहाँ पे चाय बना के पीनी पड़ती है, यहाँ पे चाय बनी बनाई मिल जाती है, आराम से बेटी सेवा करे जा रही है, दामाद पूछे जा रहा है, होटलों में खाना खिलाते हैं। फिर आज कौन सी मूवी देखने चल रहे हो? आज सुन जा रहे सुप्रभात बोल के गए हैं, सुप्रभात ऑफिस से आ चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ, और वो जिम गए हैं और बोल के गए हैं कि मैं आऊंगा तो रेडी होके बैठना, हम आते ही मूवी चलेंगे। मूवी तो रात को ही देखते हैं और दिन में कौन देखता है? कल दिन में देख, कल फिर सुप्रभात ऑफिस जाएंगे कल। और एक और हॉट न्यूज देनी थी गाइस आपको, सुप्रभात की सैटरडे संडे मंडे छुट्टी ही नहीं है, इतना काम है ऑफिस में कि उनको 2 अक्टूबर को भी ऑफिस बुलाया है। ओ गॉड, इतने बुरे दिन, इतना काम। हमें तो जाना था वृंदावन, सब कैंसिल हो गया। मम्मा वृंदावन तो वैसे भी कैंसिल हो गया था ना, आपके पति ने ही धोखा दे दिया था वो तो। क्या करो, भगवान जी बुलाते हैं, भगवान जी आपको दर्शन के लिए नहीं बुला रहे। कोई बात नहीं, जाएंगे जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, 22 अक्टूबर पे भी नहीं जा सकते। 22 अक्टूबर को मैडम का बर्थडे होता है, मैडम प्लान बना रही थी लेकिन तब भी हमें एक वेडिंग में जाना है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। सोचो सोचो और कब जा सकते हैं, मना ना और तो नहीं जा सकते, फिर आगे ठंड ज्यादा हो जाएंगे। ठंड ज्यादा हो जाएगी, ठंड तो अच्छी बात होती है, वहाँ तो गर्मी में नहीं जाना चाहिए, ठंड में तो जा सकते हैं। चलो जब बुलाएंगे भगवान जी जब चले जाएंगे। आज दीदी मम्मी को याद कर रही थी, जैसे ही मैं ऑफिस से आती हूँ वो सबसे पहले ये पूछती है, दीदी आंटी के लिए चाय बनानी रख दूँ? आज आंटी नहीं आई, मुझे खाली खाली लग रहा है, आज मैं चाय किसके लिए बनाऊँ? बोला चाय कह रही थी कि मुझे जाने दो वहाँ पे, मैं चाय मेरे को वहाँ बनी बनाई मिल जाएगी। मासी कह लेकिन नहीं आज मेरे हाथ की पीजा चाय। अच्छा फिर क्या मालताल खा के आये अपनी बहन के घर से? मालताल खाया है, पहले तो जाते ही ठंडा पिया और फिर खाए बेसन के चिल्ले, उनके काम वाले ने भी बहुत अच्छे बना रखे थे, मेड ने चिल्ले इतने पतले पतले और इतने बड़े बड़े और इतने सॉफ्ट चिल्ले थे, मजा आ गया खा के। जबकि मैं यहाँ से मैकरोनी खा के गई थी फिर भी मैंने वहाँ पे एक चिल्ला खा लिया, एक से ज़्यादा ही खा लिया। मासी और मैंने, हमने दोनों ने मिल के खाए 2.5 चिल्ले और चाय पी। फिर हमने बनाई वहाँ पर दाल मखनी,
वो बना गई थी, अच्छी नहीं बना के गई थी, कच्ची रह गई थी, मिक्स भी नहीं थी। फिर मैंने उसको खूब घोड़ घोड़ के मिक्स करके उसको खूब अच्छी बनाई, टेस्टी इतनी आलू गोभी की सब्जी बनाई, फिर हमने रोटी बनाई, फिर सबको मजा आ गया आज दाल मखनी खा के। एक एक कटोरी हमने रुखी खाई। वाह वाह, आपने दाल खाई रुखी? एक एक कटोरी पहले हमने रुखी खाई, फिर एक एक कटोरी हमने ना खाने के साथ खाई, फिर हमने साथ में गोभी खाई, दो रोटी पूरी खा ली आज मैंने। फिर हमने खाई, बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए तो। दो रोटी खाना भी आपके लिए अचीवमेंट है। हाँ, फिर हमने खाई वहाँ पे कुल्फी, मासी ने कुल्फी ले रखी थी, कुल्फी खाई। मतलब सही सेवा करवा के आए हो आज बड़ी बहन से। चाय देख रहे हैं कितना कुछ मस्ती होके आए आज। मजे आ गए। फिर आज आके कपिल ने हमारी फोटो खींची मासी के साथ, मौसा जी के साथ। हे गाइस, शानिया बना रही है पूड़ी, बन चुके हैं आलू और टाइम हो चुका है रात के 10:30-11 बन चुके, 10:30 बज गए। तो फिर कैसे लग रहा है? मेरे लिए बना रही हूँ, वो भी बता। मेरे लिए बन रहा है पूड़ी आलू, लेकिन आपने ही बोला था, आपने ही बोला था कि इस दाल की पूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। ये अच्छी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि 10:15 रात को 10:30 आप पूड़ियाँ खाओ। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पहले खिलाओगे तभी तो पता चलेगा ना कि अच्छी होती। ये नहीं होती। देखिए, जिम जाने वाला इंसान है ये। मैं भाई 2-3 दिन से जिम गया नहीं हूँ तो इतना चलता। हा हा, तेल ही तेल, वाह, ये फूल ही नहीं है भाई। फूल ही है ये, देखो। अच्छा, फूल ही। ओके ओके, ये भी बता देना जरा, ये दाल वाली पूड़ियां, पता चले लोगों को लगे काली पूड़ियां खा। हाँ, ये दाल वाली पूड़ियां, ये मखनी दाल की पूड़ियां बनी है। पता नहीं भाई, हमारे घर में कुछ भी नई चीज बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, इतनी करारी बनती है, एकदम कचौड़ी की तरह। एक दिन हमारी मेड ने किसके घी के कोफ्ते के वो बना दिए थे पराठे। हमारे घर में कुछ भी बन सकता है गाइस, यू डोंट हैव टू। जिस दिन आपको नॉर्मल खाना दिख जाए हमारे घर में, उस दिन होता है अरे भाई आज क्या हो गया, नहीं तो कुछ भी बनता है हमारे घर। इतना अच्छा खाना बनता है, आपके घर लोग आके तारीफ करते हैं। वो तो बनता है, लेकिन जब हम अकेले होते तब कुछ भी बनता है। लोगों के लिए अच्छा बनता है क्योंकि आपके लिए हेल्दी बनता है। गाइस, कभी मैंने नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खाई होगी, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स ही होगा। मिक्स नहीं होता उसमें, मल्टीग्रेन आटा होता है वो। मल्टीग्रेन दालें और वो सब पिसवाती हूं मैं उसके अंदर। तो सेम ही है। चलो गाइस, मिलते हैं आपको पूरी जब ये टेबल पे लग जाएगी, तब मिलते हैं आपको। अभी डिस्टर्ब नहीं करते शान्या को, पता लगा यही कढ़ाई मेरे मुंह पे आए। ओके बाय गाइस, हो गया हमारा डिनर। पूड़िया तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन बनी हुई थी, दाल मखनी वाली पूड़िया। और ये आ गई है पूड़िया बनाने वाली हमारी शान्या। भाई साहब इतना खा लिया। तो सुप्रभात ने तो कर लिया अपना पूड़ियों वाला डिनर, मैं लेके जाती हूँ इनको वॉक पे, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल सुबह मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट, बाय बाय।